नमस्कार, मैं दिनेश खत्री, टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी COVID-19 के कारण अपने घर से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप तक वो सभी चीज़ें हम पहुंचा सकें जो हम क्लासरूम में पहुंचाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, उसे समझें, कोई भी डाउट या किसी भी तरह का आपको लगता है कि हमें यहाँ परेशानी है, उस परेशानी को, डाउट को विद्यालय में आकर या निजी संपर्क करके आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्लास 11th का जो चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। उसके पश्चात हम उसी बुक वितान का आज चैप्टर नंबर 2, राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके लेखक का नाम है अनुपम मिश्र, पाठ लेकर प्रस्तुत हैं। थोड़ा सा पाठ आप देखेंगे तो हमारा राजस्थान की धरातल का पाठ है, जिसमें आपको कुछ वो चीज़ें नज़र आएगी जो आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं देखी होगी। तो हम उसको पढ़ रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और एग्ज़ाम के समय आप उसे में से कुछ आता है तो आप उसे लिख पाएं। तो पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। पसीने में तरब तर, यानी पसीने में पूरे भीगा हुआ, चेलवांजी। अब चेलवांजी क्या है? वैसे चेलवांजी का अर्थ आगे आएगा, तो मैं यहाँ सोचता हूँ कि यदि पाठ पढ़ें तो वहाँ आपको अर्थ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यदि किसी को मन में रहता है कि चेलवांजी क्या है, तो यह एक तरह के वो लोग हैं जो कुई खोदने का कार्य करते हैं, उस काम में बड़े होशियार होते हैं, इसे चेलवांजी कहते हैं उन जाति वालों को, या एक और नाम है जो आपको आगे पार्ट में मिलेगा। कुई क्या होती है? तो कुआ होता है, वो बड़ा होता है, तो कुएं की तरह ही कुई खोदी जाती है हमारे राजस्थान के क्षेत्र में। तो ये अलग से है, छोटी कुई कह दो, छोटा कुआ कह दो, यानी कुएं का स्त्रीलिंग कह दो आप। कुई के भीतर काम कर रहे हैं। अब देखो क्या लिखा है, पसीने से पूर्ण रूप से भीगे हुए चेलवांजी जो है वो कुई के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है, यानी उस चेलवांजी ने कितनी खुदाई कर ली है? 30-35 हाथ। तो आप सोच लीजिए कि वो जो चेलवांजी है वो इतना जमीन के अंदर है, ठीक है, 30-35 हाथ लगभग अंदर है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। अब सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप खुदाई करोगे गर्मी है वो बढ़ती है, जैसे जैसे नीचे जाओगे गर्मी हमेशा बढ़ेगी। आप देख भी सकते हैं, जैसे अभी आप नीचे हो धरातल पे तो आपको थोड़ा सा कम एहसास होता है गर्मी का, जैसे ही आप थोड़े से यदि अंडरग्राउंड में बनाया हो वहाँ चले जाओ या किसी खुदाई में चले जाओगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, या आप अपने छत पे चले जाओ तो सर्दी लगेगी, यानी हवा लगनी शुरू हो जाएगी। अपने से और ज़्यादा बिल्डिंग ऊपर है उसके ऊपर जाओगे तो और अच्छी हवा लगेगी, यानी जैसे ऊपर जाएंगे हवा लगती है, नीचे आते हैं तब थोड़ी गर्मी लगती है, तो या गर्मी बढ़ रही है। कुई का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। अब व्यास क्या होता है? जिसे अपने व्रत बनाते हैं गोल, है ना, तो वो व्यास जो है या वो घेरा जो है वो शंकरा है, शंकरा मतलब थोड़ा सा छोटा है। उखरू, उखरू एक बैठने का तरीका होता है, जो पंजों के बल घुटने मोड़ के बैठा जाता है। तो इस प्रकार से बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। अब चेलवांजी जहाँ बैठा है अंदर, उसकी पीठ देख लो या छाती देख लो, तो इधर भी एक हाथ, पीछे भी एक हाथ, यानी इतनी ही खुदाई की उसने घेरा बनाया है और उसके मिट्टी नजर आएगी दोनों तरफ के हाथ। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। अब फावड़ा लेके अंदर नहीं जा सकते इसको लेकर, क्योंकि उससे खुदाई होनी नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से इसने बताया है, एक औजार है जिसका नाम है बसोली। खुदाई यहाँ बसोली से की जाती है। बसोली क्या होती है? छोटी डंडी लगी होती है और आगे जो तीखा भाग होता है लोहे का, वो पावड़ा जैसा होता है ना, वो लोहे का होता है और लकड़ी की होता है अथा, तो इस तरह की उसकी बनावट है। कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। एक तो आपको मैंने बताया कि जब गहराई में जाते हैं तो गर्मी लगती है, तो वो गहराई में चेलवांजी बैठा है उसको गर्मी लग रही है, ऊपर से वो काम भी कर रहा है यानी खुदाई कर रहा है, तो थक भी रहा है और ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी का असर होना था। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। अब उस गर्मी को कम करने के लिए जो लोग कुई को खुदवा रहे हैं या जो कुई के ऊपर खड़े हैं,
है ना, वो क्या करते हैं कि मुट्ठी भर भर के बीच बीच में रेत फेंकते हैं जोर से। क्यों? क्योंकि उससे हवा का झोंका आएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ऊपर की ताजी हवा है वह उसके नीचे फेंकी जाती है और गहराई में जमा दम गोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। ऐसा करने से क्या होता है कि एक बार जोर से रेत फेंकने से ऊपर की हवा है वो नीचे चली जाएगी और नीचे की जो हवा है गर्म वाली जो दम घोट सकती है वो हवा ऊपर आ जाती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चैल वांझे के सिर पर लग सकते हैं। सीधी सी बात है कि भाई ऊपर से आप पत्थर फेंको या मिट्टी फेंको, उसके अंश है वो नीचे अंदर काम कर रहा है उसके ऊपर गिर सकते हैं, क्योंकि इतनी ही है गहराई और चौड़ाई, तो उसके ऊपर गिर सकते हैं ना। तो उसके लिए क्या करता है कि जो चैल वांझी है वह अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन है वो टोपे के ऊपर, टोपी पहनते हैं उसकी तरह पहने हुए रखते हैं ताकि ऊपर से कुछ गिराए जाए तो उनके सर के ऊपर लगे नहीं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चैल वांझी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया। अब क्या होता है, जैसे जैसे खुदाई करेंगे मिट्टी तो और निकलेगी, अब इस मिट्टी को बाहर नहीं निकालेंगे तो खुदाई नीचे कैसे होगी और, है ना। तो क्या किया जाता है कि ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या कहते हैं ना बाल्टी, वो धीरे से नीचे उतारी जाती है, उसमें मिट्टी भर दी जाती है और फिर धीरे धीरे बड़ी सावधानी के साथ उसको वापस ऊपर खींचा जाता है, ठीक है ना। और जब ऊपर खींचा जाता है सीधी सी बात है बाल्टी के अंदर भी रेत हो सकती है, कंकड़ हो सकते हैं, पत्थर से वापस नीचे गिर सकते हैं। तो जो उसके टोपा पहना हुआ बर्तन का चैल वांझी का, जिसकी वजह से यदि उसके ऊपर कुछ गिरता है तो उसका सिर है वो बच जाता है, उसको कोई चोट नहीं आती। तो ये भी कारण है वो टोपा पहनने का। अब आपको देखो चित्र में नजर आ रहा होगा, ऊपर देखो मुंह कितना छोटा है, फिर वो अंदर देखो कुई खोदी हुई है, कुई इस तरह से होती है, कुआ होता है बहुत बड़ा होता है, गहरा है ना, और गहरा भी होता है और चौड़ा भी होता है, इसमें पानी आराम से निकल जाता है थोड़ा बहुत खुदाई करने पर। लेकिन कुई देखो कैसी है, उसमें से अंदर जाया जाता है, ऊपर से छोटे नीचे धीरे 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 बड़ा होता है और पानी की तलाश की जाती है। यानी ये सब पानी की तलाश के लिए किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो चैल वांझी के बारे में आ गया, मैंने आपको बताया था चैल वांझी यानी चेजारो, ये जाति होगी, कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्ष सब लोग, एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले और खुदाई करने वाले लोग हैं, है ना, पूरी तरह से दक्ष होते हैं उस जाति के लोगों को कहते हैं चैल वांझी या चेजारो। यह काम चेजा कहलाता है, यानी कुई खोदने का काम क्या कहलाता है, चेजा। चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। अब चेजारे जो होते हैं जिस कुई को बनाते हैं उसका निर्माण साधारण नहीं है, आपको नजर आ रहा होगा देख लो, है ना। वह भी कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआ, कुई का अर्थ क्या होता है, बहुत ही छोटा सा कुआ। कुआ पुल्लिंग है और कुई क्या है, स्त्रीलिंग है। यह छोटी सी केवल व्यास में, अब देखो व्यास मतलब ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, जो धागा निकला डोरी निकली हुई है ऊपर का जो उसका मुंह है जहाँ से खुदाई शुरू हुई है, ये व्यास कहलाता है। तो ये व्यास जो है वो थोड़ा कम होता है कुएं की अपेक्षा, कुएं में बड़ा व्यास होता है, है ना, लेकिन गहराई कुएं की और कुएं की दोनों की बराबर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। अब राजस्थान में जब अलग अलग स्थान है तो कहीं पर किसी विशेष कारण से कहीं कुई गहरी होती है तो कहीं कुई कम गहरी होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं तो खुदाई करने से पानी निकल जाता है तो कहीं है वो पानी नहीं निकलता है। तो कारण क्या, आगे भी देखते हैं अपन, इसमें और भी लिखा हुआ है। कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। अब देखो एक अर्थ ये भी है कि कुएं से अलग अलग क्यों है। कुआ भूजल को पाने के लिए बनता है, यानी कुएं की खुदाई क्यों होती है कि खुदाई होते ही पानी मिल जाए। लेकिन कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआ जुड़ता है, जैसे कुआ बनता है वैसे कुई नहीं बन सकती, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, देखो कुई के लिए, कुई वर्षों के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, यानी वर्षा का जल होता है, सॉरी वर्षा का है, वर्षा नहीं है, तो वर्षा का पानी यानी ये कुई खोदी होगी तो वर्षा होगी तो पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा इसने कहा है अपने को, इसलिए खोदी जाती है। आगे देखें, तब भी जब वर्षा नहीं होती, अब पानी यदि इसमें कोई इकट्ठा भी कर ले तो वर्षा नहीं होती तो भी वो पानी काम आ जाता है। यानी कुई में न तो सतह पर पानी बहने वाला पानी, यानी कोई सतह पर पानी बहता वो भी उसके अंदर नहीं जाता है, नहीं इसके अंदर खुदाई करने से पानी निकलता है। यह तो नेति नेति जैसे कुछ पेचीदा मामला है, यानी इसने कहा कि संस्कृत के वर्ड दो नेति नेति जैसा कुछ, यानी होगा नहीं होगा पता नहीं क्या है, ऐसे असमझो स्थिति का मामला है इसमें। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह, मरुभूमि है इसमें रेत होती है और बहुत गहरी रेत होती है, यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में हो तो उसे भूमि में समा जाने से देर नहीं लगती, यदि रेगिस्तान में बारिश ज़्यादा हो जाए तो भी वो सारा का सारा पानी है मिट्टी से होकर ज़मीन में चला जाता है।
पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे पाए 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी डलती है। अब देखो कहीं कहीं राजस्थान में क्या होता है, कहीं कहीं तो बहुत सारी रेत है जब पानी चला जाता है, तो कहीं कहीं उस रेत के नीचे 50-60 हाथ के ऊपर खड़िया पत्थर है। खड़िया पत्थर अपन कहते हैं ना, एक तरह से जिप्सम जिप्सम निकलता है उस तरह का। यह पट्टी जहाँ भी होगी काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, और पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ये सारी रेत के नीचे दब जाती है, रेत के नीचे से इधर नहीं आती। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। अब जब बड़े क्षेत्र में कुएं खोदे जाते हैं तो जब खुदाई होगी तो मिट्टी में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, तो मिट्टी में परिवर्तन आएगा तो लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ खड़िया पट्टी है। बड़े कुओं में पानी तो 150 या 200 हाथ जब आप 100 फीट खोदोगे तो पानी निकल जाता है, वह प्राय खारा होता है, इसलिए वह पीने के काम नहीं आता। बस इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। इन क्षेत्रों में अब क्या बनाई जाएगी, कुइयां। पट्टी खोदने में पीढ़ियों का अनुभव ही कम होता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत में के नीचे ऐसी पट्टी चल रही। अब देखो उसने क्या कहा है, बरसात अनुभव वाले कम लोग है। बरसात का पानी यदि किसी क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है और एकदम नहीं बैठे, यानी एकदम नीचे पानी नहीं जाता, इसका मतलब नीचे क्या है, वह खड़िया पट्टी होगी। ठीक है, यदि एकदम नीचे बैठ जाता है पानी, इसका मतलब वहाँ पर रेती है, खड़िया पट्टी नहीं है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक ला जाकर मिलने से रोकती है। अब ये क्या करती है, ये पट्टी जो होती है वह पानी को बहुत गहरे यानी उसके अंदर बहुत गहरे जाने से उसको रोकती है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह या नीचे तल चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। अब देखो क्या होता है कि उस पट्टी के कारण क्या, वो पानी अंदर जाता नहीं है तो वो पानी ऊपर ही फैल जाता है, रेत के नीचे सिर्फ ऊपरी ऊपरी सतह पर ही फैल जाता है, उस रेत के उस पट्टी के बीच में। तो क्या होता है फिर, तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। अब जब तेज गर्मी पड़ती है तो वो पानी वापस भाप बनकर ऊपर उड़ सकता है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है, यानी प्रकृति इसके साथ एक और ऐसा विचित्र काम कर रही हो, क्या है, रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, ये अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं है। अब रेगिस्तान की मिट्टी के बारे में इस तरह कहा कि यह जो रेत के कण है वो थोड़े बड़े होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि एक दूसरे से मिलते नहीं, जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है, यानी जहाँ प्रेम होता है वहाँ बिछड़ना भी होता है। इस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं, वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मिट्टी के कण आपस में क्या होते हैं, चिपकते हैं और उसको अपनी जगह भी छोड़ते हैं, इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट पड़ता है, इसलिए वहाँ थोड़ी जगह रह जाती है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं। देखो इसने स्थान बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में यदि वर्षा होती है और जब वर्षा बंद हो जाती है तो वहाँ पर जब धूप निकलती है तो वो मिट्टी के कण आपस में चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत में और आंगन में दरारें आ जाती है। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ती ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौट जाती है, यानी जो पानी अब वहाँ उस मिट्टी पर पड़ा है तो दरारें आने से क्या होगा कि जैसे ही सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो वो भाप बनकर वापस पानी ऊपर उठ जाता है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है, मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं इसलिए अलगाव भी नहीं होता है, यहाँ पर लगाव नहीं इसलिए अलगाव भी नहीं, दूर भी नहीं रहते होते। पानी गिरने पर थोड़े कण भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। अब देखो ये रेगिस्तान की धरती का उसने कारण बता दिया कि पहले बताया कि हमारे जो मिट्टी के रेत के कण वो एक क्या बिखरे हुए रहते हैं, वो आपस में लगाव नहीं, चिपकते नहीं। चिपकने से क्या होगा, उदाहरण बताया महाराष्ट्र वगैरह दोमट मिट्टी होती है, पहले चिपकी हुई रहती है लेकिन जब धूप गिरती है तो वो दरारें आ जाती है और पानी उड़ जाता है, लेकिन यहाँ चिपकती नहीं है तो अलग भी नहीं होती, तो पानी यहाँ का यहीं रहता है। ठीक है, भीतर समाया वर्ष का जल भीतर ही बना रहता है, यानी जो पानी का, जो वर्षा का जल आया इस धरती पे रेगिस्तान पे अंदर ही रह जाएगा। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी उसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा रहता है। अब एक तो पानी बहुत गहरा नहीं जाता उस पट्टी पे रह जाता है, दूसरा ये मिट्टी के जो कण है वो वापस उसको ऊपर जाने नहीं देते, इस वजह से वो पानी वहीं रह जाएगा। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समा कर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है, इसलिए वहाँ कुई खोदी जाती है। कुई खोदने से क्या होगा, जो पानी इकट्ठा किया हुआ वापस आपको पानी मिल जाता है। ठीक है, तो बूंद बूंद रिश्ती है और कुई में पानी जमा होने लगता है, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। अब देखो ये रेगिस्तान में सभी जगह खारा पानी मिलेगा बताएं कुआ खोदने में, लेकिन ये पानी कैसा होगा, मीठा, क्यों, क्योंकि वर्षा का पानी। ठीक है, तो वर्षा का मीठा पानी है ये, श्रेष्ठ और रजत बूंदे कहा गया है।
इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समान ने खूब मंथन किया, यानी इस पानी को पाने के लिए इस मरुभूमि रहने वाले लोगों ने खूब प्रयास किया। अपने अनुभव को व्यवहार में उतारने का एक पूरा शास्त्र विकसित किया है, यानी कैसे उसको प्राप्त किया जाए। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को तीन रूपों में बांटा है। पहला रूप है पार्लर पानी, यानी सीधे बरसात में मिलने वाला पानी, उसको बोलते हैं पार्लर पानी। दूसरा, यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जा सकता है। तो सीधी बारिश होती है और उसको इकट्ठा कर लेना, गांव में आपने देखा होगा दरेगा वरेगा तालाब वगैरह बनते हैं, उससे रोका जाता है पानी को, ठीक है। एक तो वो हो जाएगा पार्लर पानी। यहाँ आदि शब्द में बहुत कुछ छिपा है, आदि मतलब तालाब नदी आदि है इसमें, यानी और बहुत सारी चीज़ें छुपी है, उसका विवरण हम आगे कहीं और मिलेगा, यानी उसका विवरण हम आगे पढ़ेंगे। पानी का दूसरा रूप होता है पाताल पानी, यह वही भूजल है जो कुओं से निकला जाता है, यानी कुएं से निकाला जाता है। पार्लर पानी और पाताल पानी के बीच में तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिला पाया, उसे कहते हैं रेजानी। वर्षा की मात्रा मापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है इसमें, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। रेजा का माप कैसे करती है, जो ऊपर बारिश हुई वो नहीं, कितना पानी अंदर गया और वहाँ इकट्ठा हुआ, ठीक है ना, उसमें इसको मापा जाता है। मरुभूमि में पानी इतने गहरे है कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे, यानी मरुधर में यदि पानी बरसात होती है और 5 अंगुली तक अंदर चला जाता है तो उसको क्या कहेंगे, 5 अंगुल रेजा कहते हैं। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता। अब जो कुएं से पानी निकाल जाता है वो रेजानी पानी है, ध्यान रखना। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे चला जाता है और वो पाताल पानी बन जाता है ना। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी में उस पर मिलकर क्या हो जाएगा, खारा। इसलिए रेजानी पानी यदि ऊपर रहता है तो कुएं के माध्यम से इसे बाहर निकाला जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशेष कला, यानी इस विशेष प्रकार का जो रेजानी पानी इसको यदि आपको इकट्ठा करना है तो कुई को बनाना एक विशेष कार्य है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60 मीटर की गहराई तक यदि आप उसको खोदा जाए, यदि कुशल चेजारों द्वारा खोदा जाए और सावधानी से उसको नापा जाए, चेजो यानी चिनाई का काम करने वाले वही प्राणी, और इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो चेजारों की जान भी जा सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है, फिर आगे खुदाई रोक कर तब अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, यानी उसको पत्थर वगैरह मिट्टी विट्टी डाल के वापस उसको बनाया जाता है ताकि मिट्टी अंदर धसे नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिर्फ मिट्टी खोदते रहेंगे तो ज़्यादा मिट्टी खोदेंगे तो ऊपर की मिट्टी ऊपर गिर सकती है, लेकिन क्या होता है थोड़ा खोदते हैं फिर उसकी चिनाई करते हैं, फिर खोदते हैं फिर नीचे वाली चिनाई करते हैं ताकि मिट्टी अंदर गिरे नहीं और धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है, तब ऊपर से मिट्टी मुट्ठी भर भर के रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है। यानी मरुभूमि में क्या होता है कि तेज हवा चलती है तो रेत के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं, तो अब कुई के अंदर गहराई में जब वो मुट्ठी पर रेत डालते हैं तो वही लगता है, ठीक है ना। पसीने में नहारे तेज तेज वांझी को थोड़ी राहत मिलती है। कुछ जगह पर कुई बनाने का ये कार्य कठिन काम मालूम होता है, किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं होता, तब कुई को रस्सी से बांधा जाता है, ठीक है ना। तब क्या किया जाता है, रस्सी से इसको बांधा जाता है। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में उम्मीद है आप सबने अच्छे से ध्यान रखा होगा। एक बार फिर से वीडियो को देखें, समझें, कोई डाउट हो तो उस डाउट को जरूर क्लियर करें। धन्यवाद।